हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जो संविधान के भाग हैं या फिर कितने भाग हैं हमारे, और उससे रिलेटेड कितने अनुच्छेद हैं या आर्टिकल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, अब ये पार्ट्स जो थे इनके अलावा पहले जब हमारा मूल संविधान बना था, कौन सा मूल संविधान, तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स 395। और उसके बाद जब हमारे जो पार्ट्स किए गए थे वो कितने किए गए थे, 22, 22 पार्ट्स थे। उसके अलावा 8 शेड्यूल्स थे। क्या थे शेड्यूल्स, या हम जिन्हें कहते हैं अनुसूचियां। उसके बाद अब जो वर्तमान में चल रहा है, तो वर्तमान में ये जो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल हो गए 470। हालांकि जो लास्ट नंबर का आर्टिकल है, लास्ट नंबर आर्टिकल 395 ही है, बस बीच में जैसे 21 ए इस तरीके के आर्टिकल्स जोड़ जोड़ के 470 आर्टिकल्स कर दिए गए। भाग हमारे आज भी 22 ही लिखे जाएंगे, हालांकि ये बढ़ के कितने हो गए हैं, 25। बस इनके भी पार्ट्स कर दिए गए हैं, जैसे 14 ए कर दिया, 14 बी कर दिया। इस टाइप से तीन आर्टिकल, तीन पार्ट्स और बढ़ा दिए गए, और हमारे जो पार्ट हो गए वो कितने हो गए, 25। तो अब हम क्या कहेंगे, 470 आर्टिकल, उसके अलावा 25 भाग यानी कि पार्ट्स, और शेड्यूल्स बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 12। तो 12 हो गए शेड्यूल्स। अब एक एक करके इनके पार्ट्स जानते हैं और उनमें कितने आर्टिकल्स हैं उनके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ भाग पढ़ेंगे और इधर उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कितने हैं उससे स्टार्टिंग करेंगे, और यहाँ ये पार्ट्स हो गए। सबसे पहले जो पहला पार्ट है वो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और इसके आर्टिकल्स रिलेटेड कितने हैं, 1 से 4 तक। तो जो 1 to 4 आर्टिकल्स हैं उनके उनमें सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल केंद्र और उसमें जो राज्य क्षेत्र है उनके बारे में है। यानी कि कुल मिला के अगर हमारा कोई भारत या इंडिया है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट करना हो, वो संविधान संशोधन अगर करना हो, तो आर्टिकल्स इनमें ही चेंजेस होगा 1 से 4 तक में। अगर कोई नया राज्य ऐड करना हो या वो, तो वो सब अनुसूची 1 में भी आते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा नागरिकता यानी सिटीजनशिप के ऊपर। तो सिटीजनशिप के ऊपर क्या क्या रूल्स हैं, वो आर्टिकल कौन से में आते हैं, 5 से 11 तक। तो 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में टोटल है। थर्ड आता है हमारा मौलिक अधिकार। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस में आएंगे, 12 to 35 में। तो 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें केवल और केवल मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा नीति निर्देशक तत्व। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको बताया गया 36 से 51 तक। इसके बाद आते हैं इसी चौथे पार्ट का एक पार्ट कर दिया गया 4 का, या फिर इसे हम कह सकते हैं 4A। तो जो 4A है उसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया, और ये आर्टिकल कौन सा है, 51 का, या फिर इसे हम 51A भी कह सकते हैं। तो जो 51A है आर्टिकल, इसी को ऐसे ही आर्टिकल जोड़ जोड़ के हमारे नए आर्टिकल 470 हो गए। तो मूल कर्तव्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ 51A में है, और गवर्नमेंट बुक में जो हम देखते हैं उसमें पीछे मूल कर्तव्य लिखे रहते हैं या एनसीईआरटी में लिखे रहते हैं, वो सब के सब 51A में आते हैं। हम पांचवे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा पार्ट है हमारा संघ के बारे में यानी केंद्रों के संचालन के बारे में। तो जो केंद्र जो जो संचालन करेगा, या जो जो अधिकारी हैं उन सब के बारे में कहाँ पर मिलेगा, केंद्र से रिलेटेड चीजें कहाँ पर हैं, 52 से 51 तक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राज्य। तो राज्य से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कहाँ है, 152 से 237 तक। तो पहले हमारा जो है वो संघ से है, संघ कहाँ है, 52 से 151 तक, और राज्य कहाँ पे है ये आएंगे 152 से 237 तक। इसे हम मैजिक 100 भी कह सकते हैं।
यानी कि 52 से अगर आप 152 पे जाते हैं तो जो 52 में केंद्र के लिए लिखा होगा वही राज्यों स्टेट्स के लिए लिखा होगा 152 में। तो इस तरीके से आर्टिकल्स पता कर सकते हैं कि कौन सी किससे जुड़ा हुआ है। तो ये तो हो गए 6 भाग जो हैं। अब सातवें भाग पे चलते हैं। सातवां भाग जो है वो पहली अनुसूची के भाग खा राज्य से था। तो जो ये पहली अनुसूची के भाग खा में जो राज्य जोड़े गए थे ये वो राज्य थे जिन्हें विलय के द्वारा जोड़ा गया था भारत में, जैसे कश्मीर था। अब कश्मीर को धारा 370 के तहत अलग कर दिया गया, उस वक्त किया गया था सातवें संविधान संशोधन में जो 1956 में हुआ था। तो 370 धारा 370 में अलग करने के बाद ये जो आर्टिकल 3238 था इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो ये कब हुआ था? सातवें संविधान संशोधन में, और वो भी कश्मीर अलग हुआ था। और जो पहली अनुसूची के भाग खा थे इन्हें क्या बोलते थे? ये दूसरे राज्य जो हुआ करते थे भाग खा के, इन्हें वो राज्य थे जिन जो भारत में विलय के द्वारा जोड़े गए थे। आठवें भाग पे चलते हैं। आठवां भाग है हमारा संघ राज्य क्षेत्र। इसके आर्टिकल कौन से हैं? 239 से 242 तक। इसके बाद आते हैं हमारे नौवां पार्ट। नौवां पार्ट है पंचायतों के बारे में। तो पंचायत का आपको पता है कि जो पंचायत का है वो 11वीं अनुसूची में भी आते हैं। तो पंचायतें जो है वो 243 आर्टिकल में जोड़े गए, और 243 के क से लेके अड़ा तक के जो भाग हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ए से लेके और आगे तक के जो ये अड़ा तक के भाग हैं, ये सब किसके बारे में है? पंचायतों के बारे में। इसके बाद नौवे पार्ट का एक भाग और किया गया जिसको दिया गया 9A भाग, और इसमें किसके बारे में डाला गया? नगर पालिकाओं के बारे में। इसमें जो 12वीं अनुसूची है हमारी लास्ट अनुसूची वो नगर पालिका और नगर निगम से रिलेटेड है। तो 9 का जो है 9A भाग ये भी तभी डाला गया नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र के बारे में। और इसमें आर्टिकल कौन सा डाला गया? 243 क से अड़ा तक था पंचायतों के बारे में, तो नगर पालिकाओं को दिया गया 243 ता से 243 या छ तक। उसके बाद नौवे पार्ट का एक और पार्ट बनाया गया 9 खा, और इसमें सहकारी समितियां बनाई गई, और सहकारी समितियों को कहां से आर्टिकल में डाला गया? 243 या ज से या न तक। इसके बाद 10वां पार्ट आता है। तो 10वां पार्ट जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, और ये कौन से आर्टिकल में आता है? 244 और 244A में। इसे 244A भी कह सकते हैं या फिर क भी कह सकते हैं। और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो है वो अनुसूची 5 और 6 में आते हैं। तो जो अनुसूची 5 है उसमें सारे अनुसूचित क्षेत्र आते हैं और जनजातीय क्षेत्र, और जो 6 है उसमें केवल 4 राज्य आते हैं, जैसे अमित्र मेघा करके पढ़ते हैं हम तो असम और मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है मेघालय। तो ये 4 राज्यों के बारे में, अगर अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बात की जाए तो ये छठे अनुसूची या शेड्यूल्स में आ जाते हैं। उसके बाद 11वें पे है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। तो संघ और राज्यों में क्या क्या संबंध है, जो केंद्र है और विभिन्न राज्य हैं वो क्या क्या संबंध है, वो आर्टिकल नंबर 245 से 263 तक है। तो केंद्र जो है वो राज्यों, राज्य जो है वो केंद्र का कहना मानते हैं, और उससे रिलेटेड जो वर्णन किया गया वो कौन से आर्टिकल्स में है? 245 से 263 तक। अब नेक्स्ट चलते हैं 12वें पार्ट पे। 12वां पार्ट है हमारा वित्त संपत्ति संविधान और वाद। जितने भी वाद होंगे न्यायपालिका से रिलेटेड और वित्त संबंधी संपत्ति संबंधी, ये सब 264 से 300A में मिलेंगे। इसे 300A भी लिखते हैं। तो संपत्ति का मामला वैसे हटा दिया गया है क्योंकि संपत्ति के जो 19 अनुच्छेद 19 में था उसे हटाकर यहाँ भी हटा दिया गया था। उसके बाद 13वां भाग है हमारा भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अगर व्यापार वाणिज्य और समागम कैसे कैसे होगा, उस वो आर्टिकल नंबर 301 से 307 के बीच आते हैं। इससे रिलेटेड जो भी मामला है वो 301 अनुच्छेद से लेकर 307 तक जाता है। इसके बाद 14वां पार्ट है हमारा संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। तो जो संघ और राज्य हैं उनके अधीन क्या क्या सेवाएं हैं, जैसे
मुख्यमंत्री की सेवा या फिर जो अधिकारी हैं उनकी सेवा, ये सब आता है 308 से 323 के बीच में। उसके बाद इसी का एक और पार्ट बनाया गया 14 का, या 14A कह सकते हैं, और अधिकरण डाला गया। ये जो अधिकरण है ये एक तरीके से राष्ट्रपति वगैरह की शक्तियों के बारे में ही है, और ये 323 का से लेकर 323 खा तक आ जाता है। इसके बाद 15th पार्ट है निर्वाचन के बारे में, यानी कि जो चुनाव वगैरह संबंधी चीजें हैं वो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक हैं। इसमें चुनाव अधिकारी के काम या फिर कैसे राज्य में चुनाव होगा या संघ में चुनाव होगा, वो सब आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक सब निर्वाचन के बारे में है। अगर क्वेश्चन में पूछता है तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद 16वां पार्ट है हमारा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे SC ST का कानून है, या फिर और भी जो अदर्स कुछ वर्ग हैं जैसे अनुसूचित जाति के या जनजातीय वाले क्षेत्र, उन सब में उनके विषय में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, वो आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 342 तक हैं। इसके बाद आर्टिकल जो पार्ट 17 है वो हमारा राजभाषा के बारे में है, और राजभाषा जो है वो हमारी हिंदी डाल रखी है, हिंदी हमारी राजभाषा है। और दूसरा जो अधिकार दिया गया था वो इंग्लिश को दिया गया था, लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं दोनों यूज होने के लिए, लेकिन जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। और ये जो राजभाषा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं ये कौन से आर्टिकल में है, 343 से लेकर 351 तक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 18वां है। 18वें भाग में आपात संबंधी जो आर्टिकल्स हैं वो 352 से 360 के हैं। आपको पता है जो 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है। इसके बाद 356 वित्त प्रबंध के लिए है, और 360 जो है आर्टिकल ये किसके बारे में है, वित्त के बारे में, जो वित्तीय आपातकाल लगता है, और ये केवल और राष्ट्रपति शासन के बारे में है। इसके बाद ये जो 352 है ये किसके बारे में है, राष्ट्रीय आपातकाल, जो नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। इसके बाद हमारा प्रकीर्ण आता है 19वें नंबर पर, ये 361 से 367 तक चलता है प्रकीर्ण। तो ये जो आर्टिकल्स हैं 361 से 367 के बारे में, ये प्रकीर्ण प्रकीर्ण का मतलब दिया है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति है या राज्यपाल है या कोई भी प्रमुख अधिकारी है और उसके अधीन कोई कार्यालय है, तो उसमें जो शक्तियां हैं उन पर वो उसके लिए न्यायालय में जिम्मेदार नहीं होगा, कौन, प्रमुख। अब इससे रिलेटेड ये था कि कुछ प्रबंधों के द्वारा इसमें से एक दो तो आर्टिकल्स पे प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद नंबर 20 आता है हमारा संविधान संशोधन। हमारे इस टाइम 105 के आसपास संविधान संशोधन हो चुके हैं, और ये संशोधन जो होते हैं वो आर्टिकल 368 के थ्रू होते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है जैसे 101 जो आर्टिकल है वो संविधान संशोधन है, वो GST से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है GST वाला, कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो वो 101 है। करंट अफेयर के थ्रू अगर देखे जाए तो 105 वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो पहला संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन सी वाली 9वीं अनुसूची जो थी हमारी, 9वीं अनुसूची में अगर कोई राज्य कोई कानून लागू करना चाहता है और अगर वो जानता है कि आसपास दंगे हो सकते हैं या पब्लिक उसको न्यायालय में चुनौती दे सकती थी, तो वो 9वीं अनुसूची में डाल दिया करते थे उसे, जिसमें सबसे फेमस केस है तमिलनाडु वाला। लेकिन जब संविधान में संशोधन किया गया और न्यायालय ने उसमें बोला कि 2007 के बाद से कि इस पे भी अगर उसे लगता है मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसमें भी न्याय कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 21 के जो पार्ट 21 है वो ये कहता है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो हैं, जैसे अभी कोरोना कालीन चल रहा है, तो इस तरीके से जो संक्रमणकालीन है इनके लिए क्या क्या विशेष उपबंध हैं और टेम्परेरी तौर पे क्या क्या चीजें अपनाई जा सकती हैं देश में, ये सब चीजें आर्टिकल 369 से 392 के बीच आती हैं। उसके बाद नंबर 22 है हमारा जो संक्षिप्त नाम दिए गए हैं उनका प्रारंभ और हिंदी में क्या क्या पाठ हैं
और उन्हें क्या निरस्त करने की पावर्स हैं, ये 393 से 395 के बारे में ये जो सारे आर्टिकल्स हैं यहाँ तक आ जाते हैं। तो हमारा अभी भी जो लास्ट आर्टिकल है वो 395 नंबर से ही है, लेकिन टोटल आर्टिकल हो जाते हैं 470। और ये जो भाग हैं, जैसे 17 का भाग था, 16 का, 14 का एक भाग था, 9 के दो भाग थे, इस तरीके से टोटल भाग हो जाते हैं हमारे 25। तो ये थे आज हमारे कुछ भाग आर्टिकल्स के, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।